नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अभी बताने जा रही हूँ दोस्तों कि आप जैसे आप उपासना करते हैं तो उसमें आप जो ज्योत लगाते हैं अपने मंदिर में, अपने घर के फ्लैट के, अपने मकानों के मंदिरों में, तो उस समय आप जो ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, जो मैं सरल बातें हैं वो बताने जा रही हूँ। तो उपासना में आप जो ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो उसका महत्व मैं बताती हूँ कि कहा जाता है कि इसके बिना आपकी उपासना अधूरी मानी जाती है। पुराणों में, शास्त्रों में माने तो उपासना में घी और तेल का ज्योत जलाना चाहिए। ज्योत जलाने का मतलब होता है मित्रों कि अपने जीवन से अंधकार हटाकर आप प्रकाश फैला सकते हैं। प्रकाश प्रतीक होता है ज्ञान का, इसीलिए कहा जाता है कि उपासना में ज्योत जलाकर हम अंधकार को अपने जीवन से बाहर करते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं उपासना में ज्योत जलाने से पहले कुछ बातों को आप ध्यान में जरूर रखें कि आपको क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं मित्रों, तो इससे आपको लाभ हो सकता है। जब भी आप उपासना में ज्योत प्रज्वलित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्योत आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो और कहीं से टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। किसी भी उपासना में टूटा हुआ ज्योत रखना वर्जित माना गया है। दूसरा है उपाय कि ज्योत प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखें मित्रों कि यह उपासना के बीच में मित्रों बुझे नहीं, बल्कि काफी समय तक ये प्रज्वलित रहे। कहा जाता है कि उपासना के बीच में ज्योत बुझना नहीं चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक कार्यों में केवल घी और तेल का ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए, इसके अलावा किसी भी चीज का ज्योत नहीं जलाना चाहिए। उपासना के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें मित्रों कि घी या का ज्योत जलाने के तुरंत बाद तेल का ज्योत नहीं जलाना चाहिए। और मित्रों इस बात का भी ध्यान रखें कि उपासना में एक ज्योत से दूसरा ज्योत जलाना भी शुभ नहीं होता है मित्रों, इसीलिए हर ज्योत को प्रज्वलित करते समय इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें। तो जो मैंने बताया है उपाय, उसे आप जरूर अपनाएं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।